हे आर्किटेक्ट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, स्वागत है आपका यूनी आर्किटेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पांच ऐसे आर्किटेक्चर बुक के बारे में जिससे पढ़कर आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप अपने आप पे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है द आइज ऑफ द स्किन, जिसे जुहानी प्लाज्मा ने लिखा है, जो कि फिनिश आर्किटेक्ट हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1936 में हुआ था और ये हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डीन भी हैं। द आइज ऑफ द स्किन बुक रीवा 2005 इंटरनेशनल बुक अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड भी था। अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। अगर आप हिडन आर्किटेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं और स्पेस कैसे एक्ट करता है हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग, तो ये बुक काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। इस बुक में स्पेशल एक्सपीरियंस को डिटेल में बताया गया है। ये बुक आर्किटेक्ट और फ्यूचर आर्किटेक्ट दोनों को पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर, जिनके ऑथर 13-40 डिजाइन वर्कशॉप के एरिक रेनहोल्ड हैं, जिनका यूट्यूब चैनल 13-40 डिजाइन वर्कशॉप के नाम से है। दोस्तों, अच्छे आर्किटेक्चर कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। ये बुक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो आफ्टर डिग्री आर्किटेक्चर स्टार्टअप या खुद के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कैसे अपने बिजनेस मॉडल को एस्टैब्लिश करना है और एक सफल आर्किटेक्ट बनना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे बुक की, विजुअल डिक्शनरी ऑफ आर्किटेक्चर, जिनके ऑथर फ्रैंक डीके चिंग हैं, जो कि एक जाने माने आर्किटेक्ट और डिजाइन ग्राफिक राइटर हैं, जिन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से एक विजुअल डिक्शनरी ऑफ आर्किटेक्चर है। इनकी बुक्स वरदान साबित हो सकती है कॉलेज एजुकेशन और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के लिए। इस बुक में बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ साथ एडवांस लेवल के तक नॉलेज का खजाना है। इससे आपको नॉलेज के साथ साथ वोकैबुलरी काफी अच्छी हो जाएगी और पहले से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर, इस बुक के ऑथर फ्रैंक डीके चिंग हैं। दोस्तों, ये बुक पढ़ने को रिकमेंड ऑलमोस्ट सभी टीचर करते हैं। दोस्तों, इस बुक में फॉर्म स्पेस और उसके प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। इस बुक को पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और माइंडसेट भी आर्किटेक्चर के प्रति और भी ज़्यादा डीप हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आता है ऑलमोस्ट सभी आर्किटेक्ट के पसंदीदा बुक कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन आर्किटेक्चर, जिन्हें रॉबर्ट वेंचुरी ने लिखा है। भाई, रॉबर्ट वेंचुरी को कौन नहीं जानता। इनकी सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी हाउस वियाना वेंचुरी, जिन्हें आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो इसका रिव्यू मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। और भी आर्किटेक्चर अपडेट और मजेदार फैक्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय आर्किटेक्चर।